नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। लोकसभा में मोदी सरकार की पहली अग्नि परीक्षा, अविश्वास प्रस्ताव को मिली मंजूरी। कांग्रेस के 51 सदस्यीय नई कार्य समिति की घोषणा, राहुल गांधी ने युवा चेहरों को दी तवज्जो। ग्रेटर नोएडा में दो इमारतें गिरने से अब तक 3 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी, बिल्डर कासिम गिरफ्तार। पुतिन से मुलाकात के बाद पलटे ट्रंप, कहा मुझसे गलत बयानी हुई, रूस ने अमेरिकी चुनाव में दिया था दखल। जेल में ही रहेंगे नवाज और बेटी मरियम, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। और अब खबरें विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सरकार की ओर से 46 विधायकों को एजेंडे में रखा गया है, जिनमें 3 तलाक, भगोड़ा आर्थिक अपराधी और स्टेट बैंक निरसन जैसे कई अहम विधेयक शामिल हैं। मानसून सत्र 10 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 18 बैठकें होनी है। मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में पहला अविश्वास स्वीकार कर लिया गया है। कांग्रेस और TDP के कई सांसदों ने स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसमें से एक प्रस्ताव को सदन में 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद स्पीकर की ओर से स्वीकार किया गया है और अब इस प्रस्ताव पर अगले 10 दिन में चर्चा करने का वक्त तय किया जाएगा। लंबे इंतजार के बाद संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले मंगलवार को कांग्रेस की 51 सदस्यीय नई कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी नई टीम में बड़ी संख्या में युवाओं को शामिल कर ये संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने इन्हीं नौजवान चेहरों के दम पर आगे बढ़ेगी। हालांकि कार्य समिति में अनुभवी नेताओं को भी पूरी तवज्जो दी गई है। पार्टी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत के मुताबिक कार्य समिति में 23 सदस्य, 18 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 10 आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। विधानसभा चुनाव वाले 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के नेताओं को कांग्रेस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति निर्धारित इकाई में शामिल किया गया है, जबकि कांग्रेस की इस नई कार्य समिति पर हरियाणा का दबदबा बना हुआ है। NCR के ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र के साहबेरी में एक 6 मंजिला निर्माणाधीन इमारत दूसरी 4 मंजिला इमारत पर गिर गई। इस घटना में अभी तक 3 लोगों की मौत की खबरें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अभी इस मलबे में कई लोगों के और दबे होने की आशंका है। NDRF की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बचाव कार्य काफ़ी तेजी से हो रहा है। बचाव कार्य में JCB मशीनों की भी मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि ये घटना रात 8:30 बजे हुई। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने का काम प्रशासन कर रहा है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि इन 4 मंजिला इमारत में कुल 18 परिवार रह रहे थे, जिनमें 30 से 32 लोगों के होने की बात कही जा रही है। वहीं इस मामले में नोएडा पुलिस ने बिल्डर कासिब को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस हादसे में अब तक कुल 4 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल नहीं होने के अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि हेलसिंकी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वे एक वाक्य गलती से बोल गए थे। ट्रंप ने कहा, मैंने नहीं होगा शब्द की बजाय होगा शब्द का इस्तेमाल किया था। सही वाक्य कुछ इस तरह होना चाहिए था कि मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता हूँ कि आखिर इसमें रूस का हाथ क्यों नहीं होगा। दरअसल द्विपक्षीय वार्ता के बाद पुतिन ने कहा था कि मैं चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कभी दखल नहीं दिया। ट्रंप ने पुतिन का ये बयान मान लिया। इससे उनकी अमेरिकी मीडिया में काफ़ी आलोचना हुई। सांसदों ने भी इसे देशद्रोह जैसा बयान करार दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद को 25 जुलाई के आम चुनाव तक जेल में ही रहना होगा। सजा को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई जुलाई के आखिरी सप्ताह तक टाल दी है। अदालत के इस फैसले से चुनाव से पहले जेल से बाहर आकर पार्टी के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने की शरीफ की उम्मीदों को झटका लगा है। शरीफ परिवार ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आए फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 2 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को नोटिस जारी कर मामले के रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई को जुलाई के आखिरी सप्ताह तक टालने का सीधा मतलब है कि अगली सुनवाई 25 जुलाई के बाद ही होगी।
मानपुर इलाके में सुबह 8:30 बजे सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सली आमने सामने आ गए। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 5 लाख की इनामी महिला नक्सली को मार गिराने का दावा किया है। ये नक्सली औंधे मोहल्ला एरिया कमेटी मेंबर थी। वर्ष 2005 से उनके खिलाफ 16 मामले अलग अलग थानों में दर्ज किए गए थे। बुधवार को मानपुर इलाके के कोंडल पहाड़ी में टीआई सीतागंज की टीम, टीआई कोहका की टीम, डीईएफ और आईटीबीपी की टीम सर्चिंग पर निकली थी। सुबह मुठभेड़ के बाद एक महिला नक्सली का शव मौके से मिला। शव के पास 12 बोर का राइफल और कुछ नक्सल साहित्य भी बरामद हुए हैं। महिला नक्सली की पहचान बीजापुर निवासी जरीना के रूप में हुई है। साल 2005 से जरीना मानपुर सब डिवीजन में सक्रिय थी। हिंदू पाकिस्तान वाला बयान देने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। थरूर ने कहा है कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं। उन्हें यह अधिकार किसने दिया? क्या मैं उनकी तरह हिंदू नहीं? क्या मुझे देश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या ये लोग हिंदू धर्म के अंदर तालिबान को स्थापित करने की शुरुआत नहीं कर रहे हैं? शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी के लोगों का हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बहुत ही खतरनाक है। ये सोच देश को नष्ट कर देगा। आपको बता दें कि केरल में पिछले हफ्ते पार्टी के एक समारोह में बोलते हुए शशि थरूर ने कहा था कि अगर 2019 के चुनाव में बीजेपी फिर जीती तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। थाईलैंड की गुफा में फंसने के पूरे 25 दिन बाद थाईलैंड के 12 बच्चे और उनके कोच आज अपने घर जा सकेंगे। सभी को एक साथ आज अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। वे पहली बार मीडिया से भी अपनी आपबीती सुनाएंगे। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि वाइल्ड बोर्स फुटबॉल टीम को निर्धारित तारीख से एक दिन पहले छुट्टी दी जा रही है और अधिकारियों को उम्मीद है कि घर जाने से पहले वे प्रश्नोत्तर के जरिए अपनी दिलचस्प कहानियाँ बयां करेंगे। थाईलैंड के मुख्य सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आज शाम में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने का कारण यह है कि मीडिया उनसे सवाल कर सके, जिसके बाद वे सामान्य जीवन जीने के लिए वापस जा सके। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज़ के साथ।